फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला। आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पर आप फुल पेज कम्युनिटी पोस्ट किस तरह से डाल पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरह से आप अपने यूट्यूब जब वीडियो बनाते हैं उसमें अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट आ चुकी है तो उसमें आप वीडियो किस तरह से डाल पाएंगे, और उस वीडियो की जानकारी देना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपना जो थंबनेल बनाते हैं उसी तरह से इसमें आप किस तरह से थंबनेल लगाते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होता है, और यहाँ से आप अपने जो डालना चाहते हैं, जो आपने थंबनेल बनाया है कम्युनिटी पोस्ट के लिए, वो आप यहाँ पर डाल पाएंगे। तो किस तरह से डालते हैं आप उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, और उसमें आपको क्या दिक्कत आती है उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। आप पहले आप कैसे डालते हैं वो मैं बता रहा हूँ, आपको कैसे डालना उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और प्ले लिस्ट के द्वारा और भी वीडियो देखना चाहें यूट्यूब के, तो आप हमारे इस चैनल पर देख पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आप किस तरह से अपना कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो भी आप वीडियो के बारे में जानकारी देना चाहें, लिंक देना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो के बारे में जो जानकारी देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ लिख लूँगा। तो आप भी अपने वीडियो के बारे में जो जानकारी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख पाएंगे, और उसके नीचे आप अपने जो थंबनेल है वीडियो का वो आप यहाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह से लगेगा वो जानकारी मैं दूंगा आपको। तो यहाँ पर आप सीधे नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सीधे गैलरी में चले जाएंगे, और गैलरी से आपने जो थंबनेल बनाया हुआ है, थंबनेल पिक्सल लैब से किस तरह से बनाते हैं उसकी जानकारी भी आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं जो आप थंबनेल लेके आए, तो यहाँ पर आप ये प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें किस तरह से शो होगा ये देखिए। ये आपके पूरा शो नहीं हो रहा, जैसे मैंने अभी डाला है तो ये पूरा शो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ कट रहा है। तो इसे मैं लेफ्ट राइट करके बताता हूँ, तो आप इसे पूरा नहीं देख पा रहे हैं, और सामने वाले अगर जब देखेगा इसको कम्युनिटी पोस्ट को तो उसे समझ में नहीं आ पाएगा कि लिखा क्या है, क्योंकि ये पोस्ट पूरी शो नहीं हो रही है। देखिए मैं इसको स्क्रॉल करके आपको बता रहा हूँ, तो इसे पूरा किस तरह से ले पाएंगे उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आप किस तरह से इसे सही कर पाएंगे। तो यहाँ से फिर से हम बैक हो जाएंगे। इसमें आपको थंबनेल कब डालना है अगर वो टाइम सेट करना चाहे तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ आपको एक वॉच का सिम्बॉल दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसको कब पब्लिश करना है उसकी जानकारी भी आपको यहां से हो जाती है जब आपके थंबनेल सही बन जाएगा। तो आप यहां पर क्लिक कर इसे भी काम में ले पाएंगे। तो यहां मैं क्लिक करता हूं तो आपको यहां डेट दिख रही है और यहां टाइम शो हो रहा है, और उसके नीचे आप यहां पर देख पा रहे हैं, और यहां डन पर क्लिक कर देंगे आप अपना टाइम डालकर, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फिक्स टाइम पर इसको लोगों को पब्लिश कर पाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट को सही करने के लिए सीधे हम पिक्सल लैब ऐप में जाएंगे, और वहाँ पर हम अपनी इसको सही करेंगे इमेज को। तो यहाँ पर आप इस तरह से गैलरी से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी फोटो आप बनाना चाहते हैं। तो इस तरह एक एड शो होता है, और यहाँ पर देखिए मैंने ये अपना पिक्सल लैब से मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब इसको सेव करने के लिए यहाँ इमेज सेव पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें JPG और कस्टम ऑप्शन हो रहा है। यहाँ रेशो मैंने 1:1 सेट किया है, तो इस तरह आप भी अपने रेशो को सेट कर लेंगे 1:1। तो आप इसमें ये देखिए JPG की जगह मैं PNG कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ क्वालिटी में, और सेव गैलरी के लिए मैं क्लिक करता हूँ, तो गैलरी में मैं सेव हो जाएगा। एक छोटा सा ऐड आएगा, इसे आप देखना होगा, और आप इसे स्किप कर लेंगे। आप इसे स्किप कर लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से इसको अपनी गैलरी में सेव हो चुका है, इसे आप देख पाएंगे, और गैलरी से सीधा ले जाकर आप अपने कम्युनिटी पोस्ट के लिए इसे पोस्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा, तो फिर से हम जाना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमें किस तरह सेट करवाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और फिर से हमें प्लस वाले निशान पर क्लिक करना होगा नीचे की तरफ। तो वहाँ प्लस के निशान पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से गैलरी से हम जो थंबनेल बनाया उसे सेलेक्ट कर वहाँ पर किस तरह से लगाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो अब बस बहुत ही छोटा सा वीडियो बाकी रहा है, इसे अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप अपने इस थंबनेल को लगा पाएंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे गैलरी से, गैलरी सेलेक्ट करने से पहले आप गैलरी में आया या नहीं आया ये पहले चेक कर लेंगे, और यूट्यूब चैनल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर इस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने अभी अपने पिक्सल लैब से बनाया था। तो यहां पर देखिए प्रोसेसिंग चल रही है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे लगा पाएंगे। अगर आपकी ने स्पीड अच्छी हुई तो आपके ये फटाफट सेट हो जाएगा, वरना इसमें कुछ समय लग सकता है। तो इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, तब तक आप इसमें
किस तरह से लगा पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। तो आप इस तरह से अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप अपना थंबनेल को लगा पाएंगे और अपने वीडियो की जानकारी लोगों को दे पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके वॉच टाइम भी बढ़ेगा इससे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपके जो वीडियो नेक्स्ट आने वाला है उसकी जानकारी भी आप अपने कम्युनिटी पोस्ट में दे पाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने वीडियो को प्रमोट कर पाएंगे। और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहे तो आप हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के द्वारा देख पाएंगे, उसमें आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे ये सेव हो चुका है और इस तरह आप भी अपने कम्युनिटी पोस्ट फुल पेज लगा पाएंगे। धन्यवाद।